तैयारी चल रही है और ये है अमर सिंह महाविद्यालय लखावटी बुलंदशहर, और यहाँ पर सारे स्टूडेंट और यहाँ पर लेक्चरर तमाम यहाँ पर मौजूद हैं अपने स्टूडेंट। और हमेशा ब्रिटिश टाइम से और आज तक ये कॉलेज बुलंदशहर की धरती पर एक यूनिक कॉलेज रहा है आज भी, और कहीं ना कहीं किसान परिवार के यहाँ पर लेक्चरर से लेकर प्रिंसिपल महोदय और तमाम जितने शिक्षकगण और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली वो किसान परिवार से आते हैं। और पढ़ाई की बात करें, अनुशासन की बात करें, तो ब्रिटिश टाइम में भी हमेशा से आगे रहा है और आज भी आगे बना हुआ है। और यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स हैं, शिक्षकगण हैं। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं और आगे सर स्वागत है अभिनंदन है चैनल में। थैंक यू। और सर क्या 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 इस बार आपके स्टॉल में? ये हमारा नाम क्या है सर आपका? मैं प्रोफेसर ओमकार तिवारी और लखावटी पीजी कॉलेज में कृषि प्रचार विभाग में अध्यक्ष हूँ। और ये पहली बार हमारे महाविद्यालय के यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। इस पर विभिन्न प्रकार के हमने हमारे बच्चों ने ये जो कॉलेज का एक सिस्टम है उसमें ये जैसे आपको ये पवन चक्की का व्यवस्था की है, ये मॉडल है, ये सूरजमुखी लगाया है, ये मक्का की उन्होंने डिमोस्टर किया है, गेहूं की फसल को किया है, कपास का है, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के बागवानी वगैरह है। आपके उसमें खेती भी होती है सर? जो हमारे हमारे लगभग 400 बीघे का फार्म है उसी का वो सब, हाँ उसी को दिखा रहे हैं। और ये सैंपल के तौर पर हमारे चावल भी हैं, और ये हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मैं वहाँ पर जो बनाते हैं जैम जेली सॉस, बताओ बेटा आप बताओ। चलिए क्या 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 बना? जैम है, जेली है, सॉस है, और इन सब ऑर्गेनिक है? हाँ ये सब ऑर्गेनिक है। और ये क्या है? ये नवरत्न आटा है। ये कौन सा आटा है? ये इसमें नौ तरह के आटे हैं, ये वाले कहाँ गए बोले, नौ प्रकार के चीजों से बना, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, कोंदो है, रागी है, ये मतलब इस तरह से नौ प्रकार के आटे। हाँ बता दीजिए आप, बता आटे मिला के जी सर, जो सर है ये नवरत्न आटा है, इसमें 9 इंग्रेडिएंट जो मोटे अनाज हैं वो मिला के बनाया गया, जो स्पेशली फॉर जो हमारे डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके लिए बनाया गया है। जो इसमें इसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो नॉर्मल ज्यादा होती है, क्योंकि गेहूं में लगभग 9 से 11% होती है। जी जी, हाईली रिच है, हाईली न्यूट्रिएंट। अच्छा, तो इसकी पिसाई करते हैं पल्वराइजर के जरिए करते हैं या वहाँ पे चक्की, आम चक्की? नहीं सर, चक्की पे ही करते हैं, लेकिन उससे पहले हम पूरी उसकी सफाई करके आटा से निकाल के उसके बाद कराते हैं। छोटी चक्की आती है उससे कर लेते हैं, क्योंकि अभी अपने और इसमें अचार वगैरह भी वो अभी शुरू नहीं किया आपने? नहीं अचार सर, मुरब्बे वगैरह है? हाँ सर, मुरब्बे है, स्क्वैश है, जेली है, जैम है। जी सर, जी सर, हाँ ये सर सेब का मुरब्बा है सर। अरे वाह, हाँ ये जैम। चलिए तो ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं आगे? चलिए पूरी कोशिश करेंगे हम, लखावटी कॉलेज आएंगे और हम बिल्कुल बनाएंगे ग्राउंड जीरो पर आकर। और लास्ट ईयर भी हमने आपका कवरेज किया था। ये सर हमने ऑर्गेनिक राइस जो नेचुरली राइस प्रोडक्शन किया है सर, इसमें हमारे सर, जी जी बिल्कुल सर, बासमती से, इसमें जो हमारी फोटो वगैरह देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल नेचुरली लगाया हुआ है और इसमें कोई भी केमिकल प्रयोग नहीं किया सर। अच्छा, खाद उधर क्या है सर? ये वर्मी कंपोस्ट सर। अच्छा, जी जी, जो सर ये है वर्मी कंपोस्ट हमारी, क्योंकि नेचुरली हम सारा, अब जो सरकार भी हमारी है वो सब ऑर्गेनिक पे वो दे रही है सर। जी जी, फेंक दिया। अच्छा चलिए जी सर, तो प्यार इसमें अंदर है। अच्छा केंचुए हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जो बैटरी, ये साइकिल किस पर्पस है? ये साइकिल हमारे यहाँ बीएससी जी फर्स्ट ईयर का छात्र है, उसने जो है इसको बनाया है कि जिससे जो है जो बच्चे स्कूल आते जाते हैं कम पैसे में ट्रेवलिंग कर सकते हैं। बैटरी है इसमें? बैटरी है इसमें, और बैटरी से आ जाए। तो प्यारे वश, लखावटी कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एक साइकिल के अंदर मॉडिफिकेशन किया है अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने टैलेंट से, इसके अंदर जुगाड़ करके कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिससे बहुत कम पैसों से बच्चे जो हैं विक्की और स्कूटी की तरह, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब किसान परिवार के बच्चे हैं, वो भी जो है स्कूटी की तरह अपनी साइकिल से कॉलेज पहुंच सकते हैं। बेटा क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन बेटा, नाइस टू मीट यू, स्वागत है अभिनंदन है। किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप? सर मैं BSc ST फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहा हूँ, अमर सिंह कॉलेज लखावटी। तो ये क्या बनाया है आपने साइकिल में, कैसे जुगाड़ किया है? सर ये इलेक्ट्रिक साइकिल है, पहले ये नॉर्मल साइकिल थी, इसको मैंने इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है। ये सर इसके जो पहिए में जो पीछे है, ये पीछे ये मोटर लग रही है, हब मोटर, जिसको BLDC ब्रशलेस द्वारा चलती है। ये 36 वोल्ट 250 वाट की मोटर है, और ये इसकी बैटरी है जो 36 वोल्ट 18 इंच की बैटरी है। तो एक बार चार्ज होने के बाद कितने किलोमीटर चल सर? ये एक बार चार्ज होने के बाद 70 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 70 किलोमीटर? जी सर।
अगर आप 2 घंटे की चार्जिंग करके इसको 70 किलोमीटर दूर चला सकते हो। और सर इसमें एक नई टेक्नोलॉजी भी निकाल दी है, जैसे आपकी बाई चांस कहीं भी बैटरी खत्म हो जाती है तो वहाँ पर आप पैडल मारकर इसको बैटरी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा वो भी है, वो भी कर दिया मैंने इसमें। प्यारे देखे एक किसान परिवार का बेटा, उसका आविष्कार देखें। बुलंदशहर के शायद ये किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पहले बेटे हैं, पहले छात्र हैं जिन्होंने ऐसा इनोवेशन किया है, आविष्कार किया, अपने आप में अद्भुत है और हाईली अप्रिशिएटेड। कॉन्ग्रेचुलेशन, कोटि कोटि बधाई तमाम व्यूअर्स की तरफ से। और हम कोशिश करेंगे डीएम साहब, सीडीओ साहब आपको प्रमोट करें और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तक आपको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलने का काम हो, ताकि आगे और आप इसको पेटेंट करा सकें, अपने ज़िले का, अपने परिवार का, अपने कॉलेज का नाम रोशन कर सकें। जी सर, कोशिश हमारी ये भी रहेगी जी सर कि किसी साइकिल वाली कंपनी से इसका कलोबरेशन कराएं और लार्ज स्केल पे ये साइकिल अगर बनाने लगे तो बच्चे की जो रुकना रहे टेक्नोलॉजी है उसका भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। यहाँ के जनप्रतिनिधि सांसद महोदय हैं डॉक्टर भोला सिंह जी हैं, प्रदीप चौधरी जी हैं सदर विधायक, तो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे, आपसे कॉन्टेक्ट नंबर लेंगे और जरूर हमारे बच्चे का है। इधर दिखा दें, इस बच्चे का, बेटे का ये कॉन्टेक्ट नंबर है। आप लोग प्यारेवर्स हौसला अफजाई के लिए एक कॉल जरूर करें, मैसेज में इनको बधाई दें और इनको कहीं ना कहीं ढांढस बांधने का काम करें। और कोई भी इस डिटेल से कोई भी आपको चाहिए तो ये डिटेल आपको फौरन देंगे। मेरा ये यूट्यूब चैनल है सचिन हैकर टू। अच्छा, सचिन हैकर टू नाम से। अच्छा, ये सचिन हैकर टू क्यों रखा है आप हैकिंग में? नहीं नहीं सर, सही है, सिर्फ एक नाम रखा है ब्रांड के लिए। अरे देखें इनोवेशन, देखें यहाँ भी देखें, मतलब इनके चैनल को पढ़ते ही डर लगने लगता है कि सचिन हैकर टू सर, आई नो सो इंस्पायर्ड, आई नो सो इम्प्रेसिव, रियली इज ग्रेट। जी सर, जी सर, सर ये मैंने क्या किया, ये मेरा एक चैनल है जो कि वेस्ट मटेरियल होता है उनको मैं यूज में लाता हूँ। जैसे आपका जो पाइप वगैरह होते हैं मिस्त्री वगैरह काट कर फेंक देते हैं, मैं उनकी सीट बनाकर उनके पंखे बना देता हूँ छोटे वगैरह पंखे, जिससे आप हवा ले सकते हो गर्मियों में, गरीब किसान बना सकते हैं इसको। अच्छा सचिन, आप किस गाँव में रहते हैं? सर मैं डिवाई में रहता हूँ, गाँव मेरा घुसाना गेल है। वहीं रहते हैं अभी? जी सर, गाँव में ही नहीं सर, डिवाई में रहते हैं वैसे तो, कस्बे डिवाई टाउन के। जी सर, तो डिवाइस से ही आप अप डाउन करते हैं? जी सर, लखावटी कॉल। जी जी जी, चलिए आगे आपसे फिर बनेंगे आपका, कोशिश करेंगे सचिन फिर। तो प्यारे वो सचिन को जरूर आप लोग एंक्रोचमेंट करें, सॉरी अप्रिशिएट करें। और छोटा भाई है हमारा, एक बेटा है किसान परिवार का, एक स्टूडेंट है मिडिल फैमिली किसान परिवार से, हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि ऐसे होनहार बेटे को बुलंदशहर प्रशासन और शासन और तमाम यहाँ पर जितने भी एनजीओज हैं और इसके साथ साथ हमारे जितने यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, डॉक्टर भोला सिंह सांसद महोदय, प्रदीप चौधरी जी जो यहाँ पर सदर विधायक है, इसके साथ साथ आपका तो मेरे ख्याल से सियाना लगेगा देवेंद्र लोधी जी हैं, तो इस बच्चे को कम से कम पीठ पर हाथ रखें और इसको बढ़ावा देने का काम करें, ताकि ये और इस फील्ड में आगे आ सके और कहीं ना कहीं एक अच्छा आविष्कार में सक्षम बन सके और तमाम हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सके इंटरनेशनल लेवल पर, और अपने बुलंदशहर का, अपने वतन का, देश में नाम रोशन कर सकें। और थैंक यू सचिन मियां, थैंक यू, नाइस टू मीट यू।